हाँ जी अब्दुल गनी, किस मामले को लेके आज आप ज्ञापन देने आए हैं? यहाँ हमारे अपने एरिया मारवाड़ एरिया में बाड़मेर के अंदर जो लौ जिहाद का मामला जो बन रहा है, हम उसकी मुखालफत के लिए आए हैं। चाहे हमारे बच्चे, हम चार पाँच दिन से शर्मिंदा, इस ज्ञापन एक और भी देना था, हमने प्रशासन को नहीं दिया। इसमें हमारे बच्चे इन्वॉल्व है, हम चाहते हैं कि ये बुराई को रोका जाए। हमका जो भी हमें सामाजिक जिस तरीके की हमें सहयोग चाहिएगा, हम आपके लिए कंधे से कंधा मिला के आपके साथ खड़े हैं। इस मामले को हम नहीं तो मतलब क्या है, सहयोग कर रहे हैं, इसकी प्रशंसा करते हैं, इस बुराई को मिटाने के लिए कर्त सर्व बल के तुम्हारे साथ हैं। दूसरा, हमारा फातिया चौक के बारे में हमने यहाँ पे आए हैं कि कोई भी मतलब क्या कि समाज, किसी समाज को बुरा भला न कहें, अपनी बात रखें, अपना विचार रखें, और इसका असल जो मतलब क्या है कि कोर्ट में मूल विवाद चल रहा है। जब भी विवाद इसमें सुलझेगा, जिस पक्ष को मिल जाएगा वो पक्ष उसके पास में मतलब कोर्ट दे देगा, हम उसको स्वीकार करेंगे। और हम भाईचारे से रहना चाहते हैं, और उकसाई कार्रवाई ऐसी ना करें जो जिसे हमें मतलब परेशानी हो, किसी के मतलब क्या है कि वह जज्बातों को मतलब या धार्मिक चीज़ों पर कुठाराघात न करें। बड़ा मेहरबानी, बड़े भाई हिंदू हैं, उन्हें मालूम होना चाहिए ये छोटे भाई हैं, ख्याल रखें। और हमारे जो परम्पराओं से जो चला आ रहा है, हमेशा के लिए जो प्रेम चला रहा है, उसे कायम दायम रखने की हम भी कोशिश करें। आप भी इस जिम्मेवारी को समझें, और आप में से निकल के कोई आएगा और वो ही आके कहेगा कि ये गलत है और वो अच्छा है, तब जाके ये बुराई रुकेगी। हम अकेले कह देंगे ये बुरा है, बुरा है, वो बुरा नहीं हो सकता। और मीडिया भी इसमें सहयोग करे, अच्छाई की तरफ ले जाएं, बुरी बात को रोकें, और मीडिया इसमें सहयोग करे ताकि ये समाज हमारा आने वाले देश के लिए, गांव के लिए, और इस कस्बे के लिए, इस ज़िले के लिए भलाई का एक बाइस बन सके। बस।